अब YouTube की खबर वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग द दस्ती बॉम्ब एस्थेटिक्स। तो कुछ दिनों से मेरे बॉडी में कुछ इश्यूज हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज, बहुत गर्मी की वजह से मेरा होता है आई हैव लाइक अ पेन इन दिस पार्ट ऑफ माय बॉडी, लाइक इस पार्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है लाइक वेयर द ऑसोफेगस एंड्स एंड द स्टोमक, तो उस एरिया में काफी बर्निंग होता है एंड इट हैज बीन लाइक पेनिंग लाइक शिट। मैं पड़ा हुआ रहता हूँ अपने बेड पे, तो मैंने कंसल्ट किया अपने डॉक्टर के साथ एंड ही सेज कि आई शुड टेक रेस्ट फ्रॉम माय डाइट, जो मैं अंडे वंडे खाता हूँ दिन में बहुत ज्यादा, तो वो सब एक दो दिन के लिए बंद करने को बोला। तो ही आस्क्ड मी टू बी ऑन अ डाइट विच इज क्वाइट लिक्विडी, तो आई सर्च ऑन द नेट एंड आई गॉट दिस अमेजिंग डाइट विच इज वेरी ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब, इट इज कॉल्ड द डिटॉक्स डाइट। तो इसमें क्या होता है बेसिकली फॉर अ कंप्लीट डे और टू हम लोग सिर्फ वी कैन ओनली ड्रिंक जूस नथिंग एल्स। बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दिस डाइट एंड ये लोग कब करते हैं, सपोज यू हैड अ वेरी बैड वीकेंड, आप कहीं पे पड़े हुए थे, हु नोस लाइक ड्रंक एंड ऑल, सो आफ्टर दैट इफ यू टू क्लेंस योर बॉडी ये डाइट किया जाता है। लोग इसको एक या दो दिन तक करता है, तो बिकॉज आई एम फीलिंग रियली वीक राइट नाउ एंड माई बॉडी इज रियली अपसेट एंड आई कैन नॉट हैंडल दिस पेन, तो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस डिटॉक्स डाइट। आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, एंड जो डाइट डिटॉक्स का सो मेरा मेंटेनेंस कैलोरी अभी नियरली है 2500, तो दिस डिटॉक्स डाइट हैज अ टोटल कैलोरी ऑफ नियरली 500, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू ईट। सो फॉर दिस टुडे आई एम गोइंग टू ड्रिंक ऑल माय मील्स लाइक ब्रेकफास्ट लंच डिनर इवनिंग स्नैक्स, सब कुछ जूस होगा इन द फॉर्म ऑफ जूस नथिंग एल्स। सो या आई हैव टू गो नाउ एंड ब्रिंग माय एसेंशियल्स, तो एवरीवन सिट बैक रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। सो आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू गो बिकॉज अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है एंड काफी दुकान बंद है यहाँ पे एंड जूस शॉप्स आर ऑल्सो क्लोज, तो आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग टू गो, तो लेट्स सी, आई गेस मैं बिग बाजार में जाऊंगा, तो लेट्स गो। सो दिस इज द जूस बार विच आई हैव फाउंड, सो लेट्स चूज फ्रॉम हियर। इट्स नियरली 12 PM नाउ, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया है, आई एम रियली स्टार्विंग राइट नाउ, पर मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग तो करता हूँ 1 बजे तक, तो लेट्स सी हाउ इट गोस। आफ्टर वी कैन डू दिस वी विल गो हैव अ ब्रेकफास्ट एट होम इटसेल्फ, सो लेट्स गो। So this is the mixed fruit juice which I brought and with that this is my breakfast, काफी अच्छा पैकिंग किया उन्होंने। सो अगर तो शॉपकीपर इसमें था मैंगो ग्रीक योगर्ट एंड लो फैट मिल्क, तो ये काफी अच्छा बेकर्स होने वाला है एंड बिकॉज दिस मैंगो इट इज नियरली 90 calories, तो एंड दिस इज 42 calories, तो दिस इज माई ब्रेकफास्ट। तो टेस्ट चेक करते हैं, आई एम रियली स्टार्विंग राइट नाउ, मेरे को पता नहीं मैं कैसे रहूंगा होल डे, आप लोगों को तो पता है मेरे को बहुत ज्यादा खाना पसंद है, सो लेट्स सी। है तो ये मिक्स फ्रूट बट टेस्ट आ रहा है गुआवा का, आई डोंट नो, आई डिडंट गेट द प्लम्स, इट्स ऑफ मिनट मेड एज यू कैन सी, क्वाइट टेस्टी। इट्स ओवर, सो इट्स टाइम फॉर द जूस, आई एम एक्साइटेड अबाउट ये वाला एंड लेट्स सी हाउ इट टेस्ट, क्वाइट अ बिग स्ट्रॉ, आई एम वेरी वेरी सकिंग, दैट्स व्हाट शी सेड। That's interesting. ये बहुत डार्क है, लाइक इट्स वेरी डीप, इट जस्ट लाइक आपने आम लिया उसको क्रश किया एंड यू फॉर्म अ शेक विद दैट, इट इज क्वाइट डेंस, आई हैव टू सक इट क्वाइट हार्ड टू ब्रिंग इट इन माय माउथ, दैट्स व्हाट शी सेड। लेट्स यू ड्रिंक, शो दिस टू यू, सी दिस, इट्स क्वाइट डेंस। तो जो भैया थे वहां के उन्होंने मेरे को बोला वो एल्फांसो मैंगो डालता है यहाँ पे, बट मेरे को पता नहीं एल्फांसो है कि नहीं, बट ये काफी टेस्टी एंड काफी इंटरेस्टिंग सा फ्लेवर है इसका। आई विल गिव दिस वन 6 out of 10, बट दिस वन डेफिनेटली 9 out of 10, सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट, तो लेट्स गो। वेलकम बैक, सो वो ब्रेकफास्ट किए हुए अभी तकरीबन 2 घंटा हो गया है, इट्स 3:30 राइट नाउ एंड दिस इज व्हाट आई हैव फॉर माई लंच टुडे, दिस इज यू कैन सी पेपर वर्क का बना, मैंने काफी सुना है इनके बारे में बट मैंने आज तक ट्राई नहीं किया, ऑल्सो इसमें शुगर काफी कम है, दिस इज आमरस फ्लेवर एंड दिस इज आम पन्ना, तो आम का मौसम है तो आम खाना बनता है एंड आई ऑल्सो लाइक आम वेरी मच, दिस इज 57 calories एंड दिस इज 52 calories, तो टोटल 110 calories में भी। आई मस्ट से 20 रुपया लिया है इसका मेरे को, 20 rupees ओनली, बट दिस इज क्वाइट डेंस, काफी डेंस है ये। नाउ लेट्स टेस्ट दिस वन, दिस इज आम पन्ना फ्लेवर,
आई गेस ये थोड़ा खट्टा होने वाला है, वो बहुत मीठा था, इसका स्मेल कच्चा जैसा है। ओके नॉट बैड, काफी खट्टा जैसे होता ना, हम लोग आम खाते हैं कच्चा आम, कच्चा आम में नमक देखे, ऐसा ही टेस्ट है इसका। आई विल गिव दिस वन 7 out of 10, बट दिस वन बिकॉज मेरे को खट्टा खाना पसंद है, आई विल गिव 8 out of 10। मैंने जब ये सब पिया ना, वो होता है ना जब आप ऐसे ऐसे वाले पीते हो पाइप के साथ, लास्ट में जो खर खर का साउंड होता है ना, वो मेरे को बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, ऐसा लगता है खाली हो गया, पर यहाँ ना वो साउंड नहीं मिलता। तो जो भी हो, इसके बाद हम लोग एक प्री वर्कआउट लेके आ रहे हैं, मैं क्या लेने वाला हूँ तो लेट्स सी। एंड ऑल्सो हाँ, मेरे डॉक्टर ने मेरे को बोला है कैफीन ना लेने के लिए, चाय ना पीने के लिए, तो इट्स क्वाइट अनलकी डे फॉर मी। जो भी हो, लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीक। I don't know, after the lunch, मेरे को काफी ज्यादा नींद आ रहा है। मेरे को इस टाइप पे नींद तो आता है नहीं, पर आज बहुत नींद आ रहा है, पता नहीं क्यों, वो डाइट डिटॉक्स ऐड करके, एंड आई फील क्वाइट फ्रेश राइट नाउ, एंड यस आई एम स्लीपिंग ऑन माई मॉम एज यू कैन सी। तो लेट्स सी, सो आई एम गोइंग फॉर माई रेगुलर वॉक राइट नाउ, आई फील क्वाइट फ्रेश, बट लेटली मैं बहुत बार बाथरूम जा चुका हूँ आज सारा दिन, बट आई फील रियली फ्रेश, मेरा पेट का दर्द भी नहीं है, तो काफी अच्छा जा रहा है अभी तो। And I feel really active. ऐसा लग रहा है कि कोई अभी मेरे को बहुत दूर से बुलाएगा, मैं like I'll be very prompt and active. Like I can feel all my senses. So after the walk, I'll go upstairs and do my exercise maybe. So let's go to the walk. So I just had a sting for pre-workout. आज मैं कॉफी नहीं पी सकता बिकॉज कॉफी में कैफीन होता है, एंड चाय भी नहीं पी सकता, इसीलिए मैंने स्टिंग पिया, इसमें थोड़ा बहुत कैफीन रहता है, एंड दिस इज वेरी गुड प्री-वर्कआउट। तो अभी जाएंगे हम लोग वॉक करने, उसके बाद आई डू सम वर्कआउट ऊपर में आई गेस, एंड देन वील मीट, लेट्स गो। सो आई एम आउट फॉर द वॉक इन द स्टेशन, इट्स अ प्रीटी गुड वेदर, एज यू कैन सी द स्काई इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, तो let's see what happens next. Just look at the weather, how mesmerizing it is, like it is the best day to walk. Let me show you, look at that, how pretty it looks. Log mere ko dekh rahe kya karta hu, jo bhi ho, so I just had a very good walk, and nearly yahan pe maine 5 km ka lagaya walk, I don't know how many steps are those, to jo bhi, so I brought this with me, as you can see, this is the same subah ko maine jo kiya tha paper boat ka, this is Alfonso arm. बहुत मीठा है, इट्स ओनली 54 कैलोरीज, एज यू कैन सी, आई डोंट नो, तो इट्स क्वाइट गुड चॉइस, बट बहुत ज्यादा मीठा है ये वाला, आई डोंट नो, जो मैंने लंच में पिया था उससे काफी लाइट है, वो काफी डार्क था। दिस व्यू इज क्वाइट अमेजिंग, मैं डेली आता हूँ यहाँ पे ठाकुर यहाँ पे फ्री वाईफाई भी है, तो वी कैन यूज द इंटरनेट ऑल्सो। मेरा एक दोस्त है, ऐसे जब भी कोई चीज उसको मिलता है फूला हुआ, ऐसे लगता है काम से फोड़ देता है। सो लेट्स कंटिन्यू आवर वॉक, लेट्स गो। यू नो कभी कभी अकेले ऐसे रहना ही बहुत मजा आता है, आप अकेले नहीं खुश हो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो यू शुड ट्राई टू बी अलोन समटाइम्स। डू यू वांट टू सी व्हाट सैड लाइफ इज, मम्मी चाय बना रही है एंड आई कैन नॉट हैव चाय टुडे, आई एम मेकिंग माय लेमन जूस, तो एज यू कैन सी वहां मम्मी चाय दे रही है, एंड क्या मुझे ये पीना पड़ेगा अभी, दिस इज लेमन जूस, मॉम इज मेकिंग चाय देयर, आई वांट टू ड्रिंक दैट बट आई कैन नॉट ड्रिंक इट टुडे। तो ये मैंने बनाया सिर्फ लेमन देके, कुछ भी एडिशनल मैंने ऐड नहीं किया है, ओनली लेमन, तो इट इज 0 कैलोरी, तो लेट्स ड्रिंक दिस, एंड फॉर डिनर आई हैव प्लान्ड समथिंग, तो लेट्स मीट इन डिनर। एज यू कैन सी, बट ये चाय मेरा नहीं है, ये मम्मी का चाय है, तो मैं मम्मी को देने वाला हूँ। What's everyone? I feel really great. ये आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। I don't know. I never knew इतना अच्छा राइट है। Like the detox diet, guys, you should do it. मतलब डॉक्टर gave me medicine, so I took one tablet of that thing, and बाकी मैंने सिर्फ ये डाइट किया, and I don't feel any. I feel really fresh right now, and मुझे भूख भी नहीं लगा। I thought कि मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगेगा, because I'm not having any food today, but मुझे भूख भी नहीं लगा। I was quite energetic. तो अभी लास्ट मील है, एंड सुबह को जहां से मैंने अपना ब्रेकफास्ट लाया, तो वहां से मैंने ये वाला ड्रिंक मंगवाया है, तो उन्होंने मेरे को दो चाय ट्राई करने को बोला था, एक था रिफ्रेशमेंट और एक था डेंस वाला। डेंस वाला मैंने पी लिया, तो ये है लाइट वर्जन, दूसरी रिप्लेसमेंट। एंड यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा चीज है, ये नेचुरल, ये भी एप्पल का है, बट मैंने सुना है नेचुरल के लिए जो है ये बहुत ज्यादा डेंस होता है,
तो आई डोंट नो, लेट्स सी, लेट्स ट्राई दिस। तो ये है मेरा डिनर आज का, मे बी ये डाइट मैं फिर से करने वाला हूँ, हु नोस। आई डिड इट फॉर वन डे, लेट्स ट्राई फॉर टू डेज, मे बी, लेट्स सी, मुझे कॉमेंट कीजिएगा। तो लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट। इसमें इंग्रेडिएंट्स है जीरा, मिंट, पुदीना एंड आई गेस लेमन एंड क्यूकंबर। तो लेट्स सी, वो इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग। आई थिंक ये मेरे को लास्ट पीना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी रिफ्रेशिंग, ये मेरे को धीरे धीरे पीना चाहिए। तो लेट्स ट्राई द डेंस वन फर्स्ट। ओह, फ्लेवर इज क्लाउडी एप्पल, इट्स नॉट लाइक एप्पल जूस, बट ये काफी इंटरेस्टिंग एंड बहुत लाइट है। द नेक्स्ट वन विच वी हैव इज द लास्ट ड्रिंक फॉर टुडे, ये है, ये भी एप्पल फ्लेवर का है, दिस फॉर ये हाईएस्ट सेलिंग में है, ये पेपर बोट का एप्पल फ्लेवर। ऑलवेज शेक इट फर्स्ट, दैट्स अ सरप्राइज, ये इससे भी ज्यादा डेंस है, ज्यादा स्वीट था ये। ओह, दिस इज ओनली 40 कैलोरीज एंड दिस इज 48 कैलोरीज। तो अभी ये लास्ट ड्रिंक बाकी है, इसमें शुगर नहीं है, ये मीठा नहीं है, जस्ट वेरी लाइट एंड रिफ्रेशिंग सा ये बहुत। तो आज का दिन काफी अच्छा गया, मैं आपको बोलता हूँ। लाइक इफ यू हैव हैड अ वेरी बैड डे, मतलब कुछ दिनों से बहुत खराब खा रहे हो, नहीं तो आप किसी वेकेशन पे गए हो, वेकेशन से आने के बाद आपका बहुत खराब हाल है, तो मैं बोलता हूँ आप ये डिटॉक्स वाला डाइट ट्राई कीजिए ही, ये बॉडी को पूरा क्लेंस कर देता है। मेरे को सारा दिन में थोड़ा भी भूख नहीं लगा, लाइक बाथरूम में बहुत बार गया ऑब्वियसली, जहां तो पड़े जो भी हो, बट अंडर 500 कैलोरीज ये बहुत ही अच्छा था। आई फील क्वाइट एनर्जेटिक एंड आई डोंट, अगर आप चाहते हो कि ऐसे मैं कुछ अनोखे डाइट्स लेके आऊं तो नीचे कमेंट, एंड आई डू रेकमेंड द पीपल हु आर इनटू फिटनेस बट हु ड्रिंक थोड़ा बहुत, अगर आपका एक दिन खराब गया हो असेटेड, तो इन द नेक्स्ट डे आई रिकमेंड यू टू डू दिस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो डू गिव थम्स अप, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो कॉमेंट बिलो व्हाट टाइप ऑफ वीडियो यू वांट टू सी नेक्स्ट। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे।